हेलो दोस्तों, लाइफ में जितना पॉजिटिव बनना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है नेगेटिविटी को दूर करना। हम लाइफ में पॉजिटिव बनने के लिए क्या क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और हमारी लाइफ में हमेशा इंटरनेट से या सोशल मीडिया से हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। हर रोज सुबह हमारे फेसबुक में और व्हाट्सएप में बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स भी आते हैं, पर क्या इससे हमारी जिंदगी पॉजिटिव बनती है? नहीं, हमारी जिंदगी पॉजिटिव नहीं बनती है, क्योंकि हमारे भीतर हमारे अंदर ऑलरेडी जो नेगेटिविटी पड़ी है, जब तक उसको हम दूर नहीं करते हैं तब तक हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं बनते। और हमारे अंदर नेगेटिविटी है वही हमें रोक रही है। दुनिया में सभी लोग मेहनत करते हैं पर सब लोग अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना हम अपने पोटेंशियल को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पड़ी है वही हमारे मन की शक्तियों को 100% यूज करने के लिए रोके रहे। और ये नेगेटिविटी 10 रावणों जैसी नेगेटिविटी है। मैं आने वाले वीडियोस में ये 10 रावण क्या है और कैसे इस नेगेटिविटी को अपने आप में से कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पर पहले आज देखते हैं वो 10 रावण क्या है। हमारा सबसे पहला दुश्मन है फियर, फोबिया, डर। हम जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं पर वो करने के लिए रोक कौन रहा है? रोक रहा है हमारे अंदर का डर, फियर है, वो हमें कहीं ना कहीं अंदर रोक रहा है। दूसरा है एंगर, मतलब गुस्सा। हम सभी लोग जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर कई लोग को मैं कहता हूं कि आप गुस्सा क्यों करते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करते हैं पर हमसे गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली गुस्सा हमारा प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से का मैनेजमेंट कैसे करना वो हमारा प्रॉब्लम है। तीसरा है और वो है हमारा जेलसी। हर इंसान चाहता है कि वो जलेसी ना करे पर जाने अनजाने में उसके अंदर ये जलेसी हो जाती है। तो दुनिया में लोग इस बात से दुखी नहीं है कि उसके जीवन में दुख है, दुनिया में लोग इस बात से दुखी है कि उसके पड़ोसी और उनके दोस्त लोग उससे ज्यादा सुखी है। और ये जलेसी के कारण कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी पावर्स इसको यूज करने के लिए रोके रहा है। चौथा है लेजीनेस, मतलब हम सब अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं पर जाने अनजाने में आज के यूथ को, आज के लोगों को लेजीनेस नाम की बीमारी लग गई है। एक्चुअली ये लेजीनेस कुछ भी नहीं है। जिस इंसान की जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होता, जिस इंसान की जिंदगी में कोई कारण नहीं होता, उसको सुबह उठने का कारण नहीं होता, वही इंसान लेजी होता है। चौथा और पांचवा ये है और वो है डिप्रेशन। ओहो, वी डोंट गेट डिप्रेस बट वी क्रिएट डिप्रेशन। हम डिप्रेस होते नहीं है पर हम डिप्रेशन खड़ा करते हैं। हमारे जिंदगी में वो 97 बातें जो काम की नहीं है उसे छोड़ के वो बातों को, तीन चीजों को हम फोकस करते हैं जो हमें पेन दे रही है, तो हम जाने अनजाने में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। सातवीं चीज है और वो है प्राउड, अभिमान। मतलब जाने अनजाने में हमें अपने रंग का, अपनी जाति का, अपने पैसों का, अपने अहदों का वो अभिमान हमारे अंदर रह जाता है और वो है, वो हमें कहीं ना कहीं रोकता है। ऐसे कहा जाता है अभिमान तो राजा रावण का नहीं रहा था, हम क्या चीज है। तो ये है हमारे ये रावण जो हमें अंदर ही अंदर रोके रहे। सातवा है और वो है इम्पेशेंस, मतलब अधीराय। हम अपने जीवन में कोई चीज पाने के लिए मेहनत तो करते हैं पर जब वो चीज हमें मिलने के लिए आती है तब हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो इम्पेशेंस हमारे अंदर आ जाती है और बना बनाया काम हमारा बिगड़ जाता है। आठवां चीज है और वो है डाउट। डाउट मतलब शक। अपने जीवन में आपका बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है और वो है डाउट। डाउट आपको अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और डाउट एक ऐसा है जैसे कि एक पानी की बोतल है या पानी का एक ग्लास है, शुद्ध ग्लास, अगर उसके अंदर एक बूंद शाही की भी डाल देते हैं तो अब वो पानी शुद्ध नहीं रहेगा, मतलब बिगड़ जाएगा। उसी तरह आपका बिलीफ सिस्टम कितना भी स्ट्रांग है पर अगर उसके अंदर एक बूंद जितना भी, एक वायरस जितना भी अगर डाउट आ जाता है तो आप अपने जीवन में उन चीजों को नहीं कर पाते, आपका बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट है एडिक्शन, मतलब कोई भी चीज को हम एडिक्टेड हो जाते हैं, हम उसके बंधन में आ जाते हैं, उसे कहते हैं एडिक्शन। और ये एडिक्शन भी एक रावण है। आज की दुनिया में मोबाइल का एडिक्शन, आज की दुनिया में ड्रिंक्स का, स्मोकिंग का एडिक्शन और सबसे बड़ा एडिक्शन इंटरनेट का एडिक्शन। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पावर है पर आज के दिन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अब ये पावर किसी के कंट्रोल में नहीं रहा और ये सब रावण जो हमारे अंदर है जो हमें कहीं ना कहीं रोके रहे हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं रहे थे।
अगर इस 10 रावण से निपटना है और एक बार आपको ये सब नेगेटिविटी के ऊपर काबू आ जाएगा तो पॉजिटिविटी आपके भीतर ही पड़ी है, उसको आप अपने आप यूज कर पाओगे और अपने अंतर्मन की शक्तियों को 100% यूज कर पाओगे। तो ये 10 रावण को कैसे कंट्रोल में करना है और कैसे उनसे निपटना है, मैं आने वाले वीडियोज में हर एक पर्सन को हर एक पॉइंट को एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।